Is this RDR 2 on mobile? Yes, but not officially. ओ चूना लगा दिया। अरे अरे अरे, इसके जैसे गेम्स बताता हूँ ना, लेकिन वीडियो छोड़कर क्यों जा रहे हो? कोई बात नहीं। चलो भाई, अब मजाक की बात साइड में और वीडियो को शुरू करते। चलो भाई, देखो अपने क्या। सबसे पहला गेम आता है डर्टी रिवॉल्वर। डर्टी रिवॉल्वर भाई एक बढ़िया गेम है, आप भी खेल सकते हो इसको। और इसमें मिशंस कंप्लीट करने पड़ते हैं हमें स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए, और इसकी स्टोरी लाइन भी भाई बहुत अच्छी है। एक सैड एंडिंग के साथ भी ख़त्म होता है ये गेम। और इसके ग्राफिक्स वगैरह सब ऐसे डिज़ाइन करे गए हैं डेवलपर्स के द्वारा ताकि आरडीआर जैसे लगे। और इसके गेम प्ले और ग्राफिक्स दोनों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और अगर इसके प्ले स्टोर पर डाउनलोड साइज़ की बात करें तो वो आता है सिर्फ 144 MB। अब आते हैं दूसरे गेम की तरफ, जो आता है वेस्ट गन फाइटर। वेस्ट गन फाइटर भाई एक मेडिवल सिटी के अंदर बेस्ड गेम है, और इसके आपको ग्राफिक्स और जैसे हॉर्स राइड करता है ना, सब चीज़ आपको बिल्कुल आरडीआर सीरीज से मिलती जुलती मिलेंगी। और अब गेम प्ले और ग्राफिक्स दोनों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस गेम की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए आपको इसके क्वेस्ट पूरे करने पड़ेंगे, जो कि आपको काफ़ी सारे मैप में ही काफ़ी जगह मिल जाएंगे। और इसके गेम प्ले वगैरह आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और इसके डाउनलोड साइज़ की बात करें प्ले स्टोर पर, वो है सिर्फ 20 MB। तीसरा गेम आता है गेम लॉफ्ट SE की तरफ से, उनका 6 Guns गेम। भाई इसकी भी स्टोरी लाइन वगैरह बहुत अच्छी है, और गेम प्ले ग्राफिक्स सब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो भाई, कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, और बिल्कुल आरडीआर सीरीज जैसा लग रहा है ये गेम खेलने में। और अगर इसके डाउनलोड साइज की बात करें तो वो है 800 MB। और आज की इस वाली वीडियो में भी सबसे ज़्यादा साइज का गेम यही है। तो हाँ यार, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। ये था Part 1, और Part 2 भी मैं लाऊंगा। इतने वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि Part 2 की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।